हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं बना रही हूँ ब्लॉग। दी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, फीवर है उनको। मैं बना रही हूँ आज ब्लॉग। चलते हैं दी के पास, देखते हैं कैसी है तबीयत उनकी। कैसी है तबीयत? ये देखो, बीमार पड़ी है बेचारी। कल से फीवर है इनको। कोई नहीं, हो जाओगे ठीक। जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। चलते हैं ऊरव के पास। ऊरव के पास देखते हैं क्या कर रहा है ऊरव। इनको क्या कर रहे हैं दोनों? ऊरव ऊरव ये नहीं पाने हम भी कपड़े सी क्यों कि ओ पाने में लोन देनी। इन्होंने उन्होंने लाना। तो आज उर्व का हम खिरपू करेंगे। तो ये मैंने जो है इसको अच्छे से रख दिया है। ये जो सारा सामान है इसको मतलब कि अपने हिसाब से रख दिया है। बोलते हैं रिचुअल है कि बच्चा आएगा और जिस चीज़ पे पहले हाथ लगाएगा तो बच्चा उसी में मतलब कि करता है। जैसे बुक्स पे लगाया तो बच्चा पढ़ाकू होता है, तो ऐसा कुछ बोलते हैं। तो बस आज वही करेंगे। और पापा ने ना हर चीज़ मतलब कि बिखेर के रख दी, हर चीज़ एक एक बिखेर के रख दी है। ऐसे ही बुक्स भी बिखेर दी, हर चीज़ बिखेर के रख दी है। देखो तो मैंने बोला ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है। ये ठीक है जड़ा है, आ जा। पहले नहीं कृष्ण है, बोना है। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं और ऊरव देख रहा है कि हो क्या रहा है, चला हुआ है। एक तो ना पापा इसको बड़ा ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे बेचारे को, IQ लेवल टेस्ट कर रहे थे इसका। बर्तन में जो है वो खीर रखी हुई है। ये रस्म करवाने के बाद हम बच्चे को अन्न खिला सकते हैं, मतलब अनाज खिला सकते हैं। वैसे तो एक बार ही करते हैं, बट पापा इसको बड़ा ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, मतलब कि इसको ध्यान डाइवर्ट कर रहे थे इसका। और ये भी बेचारा समझ नहीं आ रहा था इसको भी। तो अभी हम लोगों ने ना फिर 3 times किया, मतलब कि 3 rounds किए। वैसे तो एक बार ही होता है, बट मैंने 3 rounds किए। पापा बड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे इसको बेचारे को। अभी 3rd round। इसने खीर पकड़ ली थी, ये बर्तन पकड़ लिया था, फिर पापा ने इसको खिलाई थी। चलो खीर है लोने सो मैं दिस भी चुप रही है। गाड़ी में जा, मेरी संगरी है। मेरा मुंह तो आई है। ओ हो हो, एकदम एकदम बुरा। आज मैं बीमार हो गई हूँ, फीवर हो गया मुझे कल रात से और अभी भी है थोड़ा। और आज उरव का हमने अन्नप्राशन बोलते हैं खिरपू वो किया। एक्चुअली अगले मंथ में करना था, बट आज संक्रांत है तो घर वाले कहते कि आगे फिर बड़ा लेट हो जाएगा। और ये खाना खाते हैं तो देखता है, और ये ज़रूरी होता है हमारे रिचुअल के अकॉर्डिंग। तो बस वही मैं सोच रहा था, मैं मतलब कि थोड़ा अच्छे से करूँगी, थोड़ा डेकोरेशन वगैरह वो भी करूँगी, बट एकदम से हुआ तो ऐसे ही कर दिया। चलो ज़रूरी था तो कर दिया। और इसने पहले बुक्स पे हाथ लगाने लगा तो पापा ने इसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। पापा बड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे इसको बेचारा कंफ्यूज कर लिया, पर इसने जो भी। तो हम जा रहे हैं दी का चेकअप करवाने और ऊरव का आधार कार्ड बनवाने।
रहे हैं कि अच्छा बच्चा है, गंदा सा बच्चा रोता है उधर इतना। जी वो देखिए ऐसे ही लपड़ बदलते ना। वो देखिए क्या हो जा रहा है कि फोटो खींचने लग गए इसका और रोना स्टार्ट हो गया। हाँ सोच लो गाड़ी लग गया ना। तो अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं हम लोग। मेरी हालत बड़ी ख़राब है, बड़ा फीवर है इस टाइम तो बहुत ज़्यादा। और अब का आधार कार्ड तो बना दिया, बन गया इसका, पर रोया बड़ा ये। वो जब फ़ोटो खींचते हैं वो सर फोटो खींच रहे थे और ये डर रहा था, इसको लग रहा इसको लग रहा था कहीं मेरे फिर से बाल ना कट कर जाए। बड़ा रोया बहुत ज़्यादा। हो गया काम, अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, चेक करवाते हैं। मैं तो औरब को ले नहीं रही हूँ, दूर ही रह रही हूँ उससे। तो क्या पता बाहर से आए हैं, कोरोना भी चला है, पता नहीं होता है। तो अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। वो राखी देने गया है, नानी ने भेजी हुई है, नानी के मायके भी यहीं पे हैं, तो नानी ने भेजी हुई है राखी भी, तो अभी वो वही देने गया था। अभी तू जाओ भैंस की फोन नेट की झटिया चेक चेक करा लाइन ना लगी है। और आया और आया। अच्छा देखो देखो ओ वजह से अटक लो पचपन। तो चेकअप हो गया मेरा, डॉक्टर ने बोला कि आप कोविड टेस्ट करवा लो एक बार, पता नहीं होता है। वैसे मेडिसिन दी है उन्होंने मुझे, बट वहाँ पे हुआ नहीं कोविड टेस्ट, बोलते गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा। अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे तो उन्होंने बोला कि कल आना 10 बजे, कल होगा, कल जाए आएंगे फिर। अभी जो है वो फीवर तो है नहीं है मुझे इस टाइम, बट फिर भी ऐसे लग रहा है मुझे, थोड़ा काफ़ी वीक लग रहा है मुझे। मैं अलग ही रूम में हूँ, औरव तो दूसरे रूम में है, ऋतविका के पास है, दूसरे रूम में ऋतविका के पास है। और आज तो औरव मम्मी के साथ ही सोएगा, मम्मी सिलाएंगी उसको, क्योंकि मेरे को फीवर है और कोविड टेस्ट भी करवाना है कल, तो रिपोर्ट आएगी कल, तो फिर तभी पता चलेगा। वैसे सेफ्टी अपने तरफ से रखें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे रूम में तो मैं कह रही आओ भी मत, कोई नहीं आ रहा मेरे रूम में भी। खाना वगैरह मुझे यहीं पे दे रहे हैं, बाहर ही बाहर रख दे रहे हैं, और मैं ले ले रही हूँ क्योंकि यार बच्चा छोटा है और बाकी भी हैं, मम्मी पापा भी हैं, तो ये डर ही लगता है कोरोने से। है तो नहीं है अभी, बोल नहीं सकते कुछ रिपोर्ट वगैरह, मतलब कि टेस्ट तो हुआ नहीं है अभी, तो फिर भी सेफ्टी रखना ज़रूरी है। ना हो तब भी है, कोरोने का नाम सुन के जब से डॉक्टर ने बोला तो मैंने सोचा वायरल ऐसे इन्फेक्शन हो गया। हम आए भी हैं बाहर से और मैंने खाया भी है बाहर का, वैसे खाना नहीं चाहिए था, खा लिया इतने टाइम के बाद, तो हो सकता है इन्फेक्शन है। डॉक्टर कह रही थी कि इन्फेक्शन भी हो सकता है, बट कोरोना का टेस्ट कोविड का टेस्ट करवा लो, पता नहीं होता है। वैसे तो ठीक है, हार्ट बीट पल्स वगैरह ठीक है, उन्होंने सब चेक किया, कहते हैं बाकी सब ठीक है, बट दिल की तसल्ली के लिए जो है वो आप कोविड का टेस्ट करवा लो, फिर रिपोर्ट दिखाना है मुझे, तो कल करवाएंगे। डर ही लगता है यार। तो अभी फ़िलहाल तो मैं अपने रूम में हूँ, कोई नहीं आ रहा है, तो चलो कल देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। तो कल मिलते हैं, बाय बाय।